नमस्कार दोस्तों, घर में पूजा करने के लिए किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में पूजा के कुछ नियम बताए गए हैं, उन्हीं नियमों के बारे में जानेंगे। पूजा करने के लिए हमेशा आसन बिछाकर बैठना चाहिए, खड़े होकर पूजा करना सही नहीं माना जाता है। पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या रुमाल से ढककर रखना चाहिए। पूजा करते समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना सबसे अच्छा होता है। पूजा करते समय अपने दाहिने ओर घंटी, धूप, दीप, अगरबत्ती वगैरह रखनी चाहिए। पूजा करते समय बाईं ओर पूजन सामग्री जैसे फल, फूल, जल का पात्र और शंख रखना चाहिए। पूजा से पहले भगवान गणेश को प्रणाम करना चाहिए। पूजा करते समय घंटी और शंख जरूर बजाना चाहिए। पूजा स्थल पर चमड़े से बनी चीजें, जूते, चप्पल वगैरह नहीं ले जानी चाहिए। पूजा स्थल पर कचरा इत्यादि जमा ना हो पाए। पूजा स्थल पर मृतकों और पूर्वजों के चित्र भी नहीं लगाने चाहिए। पूजा स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। पूजा स्थल पर सूर्य की रोशनी पड़नी चाहिए। पूजा घर में दो शिवलिंग, दो शालिग्राम, दो शंख, दो सूर्य प्रतिमा, तीन देवी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। अपने पूजा घर में मूर्तियों को वस्त्र अवश्य पहनाएं, बिना वस्त्र आभूषण पहनाए मूर्तियों को ना रखें। पूजा घर में हमेशा सफेद, पीला, हल्का नीला और नारंगी रंगों का ही प्रयोग करें। आप अपने मंदिर में भूलकर भी काला, भूरा या किसी भी गहरे रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखें। और भी ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद।